नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी शीतकाल में वापस से अपना दायरा बढ़ा रही है, इसलिए हम सभी को पहले जैसी सावधानियों की वापस से ज़रूरत है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि हम आपको अपने पूर्व के वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहे हैं कि भारतीय रेलवे जीरो बेस्ड टाइम टेबल के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापक बदलाव करने वाली है, जो कि ट्रेनों के संचालन में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसी क्रम में पश्चिम मध्य रेलवे ने आज अपनी स्पेशल ट्रेनें, जो कि वर्तमान में चल रही हैं, उनकी समय सारणी में बदलाव किए हैं। ये बदलाव ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से चलने के समय में किए गए हैं तथा इसकी पूरी समय सारणी आने वाले दिनों में उपलब्ध हो जाए, जिनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। प्रमुख रूप से हम बात करें तो जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज स्पेशल को इन्होंने 15 मिनट पहले चलाने का फैसला किया है। वहीं हावड़ा जबलपुर को समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी स्पेशल को 1 घंटा 10 मिनट पहले चलाया जाएगा, जबकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा जबलपुर अपने समय से 15 मिनट बाद चलेगी। सोमनाथ जबलपुर हफ्ते में 5 दिन वाली अपने तय समय से 25 मिनट बाद चलेगी। वहीं जबलपुर सोमनाथ हफ्ते में 5 दिन चलने वाली अपने समय से 2 घंटा 20 मिनट बाद चलेगी। सोमनाथ जबलपुर हफ्ते में 2 दिन अपने तय समय से 25 मिनट बाद चलेगी। वहीं जबलपुर सोमनाथ हफ्ते में 2 दिन वाली अपने तय समय से 2 घंटा 30 मिनट बाद चलेगी। मदन महल सिंगरौली के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं सिंगरौली मदन महल अब 5 मिनट पहले चलेगी। कोटा निजामुद्दीन जनशताब्दी अपने वर्तमान समय से 20 मिनट बाद रवाना होगी। वहीं निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी अपने वर्तमान समय से 30 मिनट पहले रवाना की जाएगी। जबलपुर हबीबगंज और हबीबगंज जबलपुर जनशताब्दी के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं हबीबगंज निजामुद्दीन शान भोपाल 1 घंटा 35 मिनट बाद रवाना की जाएगी। निजामुद्दीन हबीबगंज शान भोपाल अपने वर्तमान समय से 15 मिनट पहले रवाना होगी। अमरावती जबलपुर स्पेशल, जो कि अभी वर्तमान में नागपुर तक चल रही है, उसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं जबलपुर अमरावती के समय में 30 मिनट पहले अपने वर्तमान समय से रवाना होगी। जबलपुर निजामुद्दीन अपने समय से 20 मिनट बाद रवाना की जाएगी। वहीं निजामुद्दीन जबलपुर अपने समय से 5 मिनट पहले रवाना होगी। भोपाल प्रतापगढ़ और हबीबगंज रीवा रेवांचल दोनों ट्रेनों के अप और डाउन टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं जबलपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गरीब रथ के समय में 5 मिनट का इजाफा किया है यह। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जबलपुर गरीब रथ के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबलपुर अजमेर दयोदय के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं अजमेर जबलपुर अब अपने अजमेर के समय से 5 मिनट बाद रवाना की जाएगी। मदन महल रीवा और रीवा जबलपुर के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंदौर जबलपुर ओवरनाइट के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं जबलपुर इंदौर ओवरनाइट अब 20 मिनट पहले रवाना होगी। कोटा श्रीगंगानगर के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं श्रीगंगानगर कोटा अपने तय समय से 20 मिनट बाद रवाना होगी। झालावाड़ सिटी श्रीगंगानगर अपने समय से 5 मिनट बाद रवाना होगी। वहीं श्रीगंगानगर झालावाड़ अपने समय से 10 मिनट बाद रवाना की जाएगी। कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा के समय में 2 घंटे 10 मिनट बढ़ाए गए हैं, यह अब 2 घंटे 10 मिनट के बाद अपने वर्तमान समय से रवाना होगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी कोटा अपने समय से 15 मिनट के बाद रवाना की जाएगी। वहीं कोटा उधमपुर के समय में भी 2 घंटे 10 मिनट का इजाफा किया गया है। वहीं उधमपुर कोटा के समय में 4 घंटे 10 मिनट का इजाफा हुआ है, यह अपने वर्तमान समय से 4 घंटे 10 मिनट बाद उधमपुर से कोटा के लिए रवाना होगी। दोनों कोटा हिसार एक्सप्रेस अपने वर्तमान समय से 10 मिनट पहले रवाना होंगी। वहीं वापसी में हिसार कोटा ट्रेन अपने वर्तमान समय से 1 घंटे के बाद रवाना की जाएंगी। बीच के स्टेशनों की समय सारणी
इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। उनके समय में क्या बदलाव होता है यह आने वाले समय में पता चलेगा। अन्य रेलवे बोर्डों के द्वारा भी धीरे धीरे अपने समय सारणी का प्रकाशन जीरो बेस्ड टाइम टेबल के अनुसार किया जा रहा है, जो कि हमें समय समय पर प्राप्त होती रही हैं। वह आने वाले समय में भी हमें जैसे इनकी जानकारी मिलेगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।